हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशिताज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल के लिए मैंने इधर दो अनियंस ले रखे हैं, इसे स्लाइड कट कर लिया है। एक कैरेट ले रखा है, इसे भी स्लाइड कट कर लिया है। एक कैप्सिकम और ये हाफ बॉइल्ड चिकन ले रखा है, इसे मैंने हाफ बॉइल्ड करके ऐसे अलग अलग पीसेस कर लिए हैं। बाकी हम अभी फ्राई करते समय कुक कर लेंगे। इधर फ्राई पैन पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होने पर मैं इस पे ये अनियंस ऐड कर दूंगी। एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हम इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। कैरेट, सॉल्ट ऐड करेंगे 2 टेस्ट, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम ये चिकन भी ऐड कर देंगे इसमें। अभी हम लो फ्लेम पे वेजेस को सॉफ्ट होने देंगे, नहीं तो फिर हमारे स्प्रिंग रोल्स फट सकते हैं। स्प्रिंग रोल के शीट के लिए 1 बाउल मैदा मैं इसमें ऐड करूंगी और 1 बाउल कॉर्नफ्लोर, दोनों हमें बराबर लेना है। थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम 1 अंडा डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते करते इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। पहले बहुत पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा सा ही बना के इसे अच्छे से हमें फेंटना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटते हुए हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के इसका और पतला बैटर बनाऊंगी। जब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे उसके बाद ही हम इसे पतला करेंगे। पानी धीरे धीरे मिलाते मिलाते हिलाते रहिए। शीट्स के लिए इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है और पैन को मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारे शीट्स जलने लग जाएंगे। अब जैसे पैन गर्म हो जाए लो फ्लेम पे हर 1 स्पून बैटर ऐड करूंगी और इसे फटाफट हम सब तरीके से मिला लेंगे, जैसे एक जैसा बैटर बन जाए। और इसे हर तरफ से हम इस तरीके से मिलाएंगे और पकाते रहेंगे हिला हिला के पैन को। ये देखिए जैसे ही ये पकने लग जाएगा वैसे ये तवे से अपने आप छूटने लग जाएगा। ये देखिए इधर प्लेट पे कुछ मैंने बना के रखे हैं, उस पे मैं मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग करते हुए जिससे ये आपस में चिपके नहीं इसे निकाल के यूं ऐसे रख देंगे। इसी तरीके से और भी शीट बना लेंगे हम और इसे सब तरीके से ऐसे पका लेंगे। फिर मैंने मैदा और पानी मिला के एक ये अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इधर हम साइड्स में बैटर हो जो मैदा का तैयार किया था उसे लगा देंगे। फिर यूँ बीच में थोड़ा सा चिकन भर के इस तरीके से इसके ये साइड्स को
मोड़ के यहाँ से ऐसे लेते हुए और रोल करते रहेंगे। लास्ट में भी इधर लगा देंगे मैदा और फिर इसे चिपका देंगे। ये रेडी हो गए। ऐसे ही सारी बना लेंगे हम। ये देखिए इधर ये साइड्स में ऐसे लगाते हुए और थोड़ा सा इधर चिकन भरेंगे। फिर इन दोनों साइड्स को पास में लाते हुए इसे वो अच्छे से फोल्ड करते हुए और लास्ट में भी लगा के लॉक कर रही हूँ। देखिए सारे बन गए हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। इधर हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। चिकन स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत यमी लगते हैं। आप भी ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।